गई और पानी के साथ बह कई भयंकर जल जीव भी गांव में आ गए। उसी बाढ़ में बहता हुआ एक भयंकर मगरमच्छ सुनैना के घर तक पहुंच गया और उसने वहां पहुंचते ही शीला गाय का पैर दांतों में जकड़ लिया। शीला चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ कोई तो आओ मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ कोई तो आओ मुझे बचाओ। मंदू सब देख रही था, उसने रमी से कहा, तुम मगरमच्छ के पास जाओ और कहो कि वो शीला को छोड़ दे और तुम्हें खा ले। रमी को बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसने सोचा मंदू ने जरूर कुछ सोच के कहा होगा। वो मगरमच्छ से बोला, अरे दोस्त तुम क्या इस बूढ़ी सुखी गाय को खाना चाहते हो? अरे ताकतवर बनना है तो मुझे खाओ। मगरमच्छ ने हैरानी से उसे देखा और गाय को छोड़ उसे पकड़ लिया और शीला वहाँ से भाग गई। अभी वो रमी को खाना ही चाहता था कि मंदू के कहे अनुसार सुनैना वहाँ गई और बोली, महान मगरमच्छ राज, अरे एक कुत्ते को खाना आपको शोभा नहीं देता, खाना है तो मुझे खाओ। मगरमच्छ फिर असमंजस में पड़ गया और उसने रमी को भी छोड़ दिया और सुनैना पर झपटका मारे। इससे पहले ही मंदू वहाँ आ गया और बोला, अरे नहीं नहीं मगरमच्छ राज, इस लड़की को मत खाना, इसे दया करने की बुरी बीमारी है, अगर वह तुम्हें भी हो गई तो भूखे ही मर जाओगे, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि मुझे पकड़ कर खाओ। मगरमच्छ सुनैना की बीमारी का सुन बहुत डर गया, फिर दुविधा में पड़ गया और उसे छोड़ मंदू की तरफ बढ़ा। मंदू उसे बोला, आओ तुम्हें साफ सुथरी जगह ले चलती हूँ, वहाँ राजा की तरह मुझे खाना, वही तुम्हें शोभा देता है और अपने पीछे आने को